नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं रवि कुमार शाह, आप देख रहे हैं मेडिकल फैक्ट ऑफिशियल। सो गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है और बहुत सारे रेडनेस आ चुके हैं, बहुत सारे दाने निकल गए हैं, तो आप कौन सा लोशन ले जो बहुत ही बेटर होगा आपके बॉडीज के लिए तथा उसको जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं आज 3 लोशन के बारे में जिनके अंदर कंपोजिशन लगभग सेम ही रहेगा, बट बेस्ट कौन सा है मैं आपको बता देता हूं। तो स्टार्ट हम करते हैं, पहले हम एटारेक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। एटारेक्स एक लोशन है जिसको डॉक्टर रेड्डी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी आपको देता है, आपके स्किन को अच्छे से अच्छे मॉइस्चर तथा क्लीन अप करने में तथा उन्हें हेल्दी और साइनिप बनाने के लिए, अगर उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो चुका है। तो बात करें इसके रेट के बारे में, तो ये आपको मिल जाएगा 403 रुपये में, अकॉर्डिंग टू द एरियाज आपको डिस्काउंट मिल सकता है। दूसरा बात करें दोस्तों, चूँकि एक अलग कंपनी का है, ठीक है, स्मार्ट मतलब कि आप एक जेनरिक कंपनी आप मान सकते हैं, ठीक है। डर्मी मून लोशन है जिसके अंदर कॉम्पोजिशन होता है गामा बेंजोइन हेक्साक्लोराइड सिट्रीमाइड, ठीक है, जो कि दोस्तों यूज़ किया जाता है आप इचिंग बहुत सारा बॉडीज में किसी प्रकार का इन्फेक्शन या फिर खुजली होने लगती है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगला है दोस्तों लोशन, जो कि एस्कॉर्बिल लोशन बोलते हैं, एवॉर्ड कंपनी है जिसके एवॉर्ड द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। इसकी MRP की बात करें तो 144 रुपये MRP है, और उससे पहले दोस्तों 85 रुपये MRP है, जो कि मून स्टार मैन्युफैक्चरिंग हब से आता है, ठीक है दोस्तों। बात करें इनके मतलब रेट में काफ़ी डिफरेंसेस है, अकॉर्डिंग टू द आप जैसा ले सकते हैं उसको आप ले सकते हैं। दोनों के अंदर सेम कॉम्पोजिशन लगभग अवेलेबल है, इसमें कुछ ज़्यादा कंपोनेंट एक आध दो ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं, जो कि इसलिए ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, और चूँकि डॉक्टर रेड्डी का है इसलिए काफ़ी कॉस्टली है। तो दोस्तों हम बात करें कि स्कॉर्बिल लोशन जो है उसके अंदर भी गामा बेंजोई हेक्साक्लोराइड तथा सिट्रीमाइड अवेलेबल होता है, जो कि आपके बॉडीज के लिए बहुत ही आरामदायक है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर पूरा लिखा हुआ है किस तरह से इसका यूज़ करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके शाम के समय नहाने और त्वचा पे लगाना होता है, ठीक है। अब इसको अपने गर्दन से नीचे लगाना है और उंगलियों पे लगाना है, ठीक है। मतलब इसमें बता रहा है दोस्तों कि किसी प्रकार का आप इंटरनल अंदर मतलब किसी प्रकार का आपके बॉडी के अंदर ये ना जाए, एक्सटर्नल आपको लगाना है। इसके बाद आपको अच्छे से उसको साफ कर लेना है एट आवर्स, मतलब इसको 8 घंटे लगा के रखना है। इसके बाद आप साबुन से इसको धो सकते हैं, अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं अगर इसको यूज़ करने से किसी प्रकार का आपको अलग से रेडनेस या फिर इचिंग होने लगती है। तो दोस्तों अगला वीडियोस बहुत ही जल्दी आने वाला है, जो कि आपको पूरा डिटेल्स में समझाया जाएगा कि आप मेडिकल में किस प्रकार से अपने मेडिकल शॉप को अच्छे से अच्छे बेहतर बना सकते हैं। और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।